दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर लगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात होती है। तो दुख कहता है सुख से कि तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हें लोग पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो सुख ने दुख से कहा कि भाग्यशाली मैं नहीं, भाग्यशाली दुख तुम हो। तो दुख ने पूछा सुख से कि वो कैसे, कि वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अक्सर अपनों को याद कर लेते हैं और मुझे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों जिस व्यक्ति पर दुख आता है वो सबको याद कर लेता है। यहाँ दुख में जो होता है उससे सब लोग याद आते हैं और जिस व्यक्ति के पास सुख होता है उसको कोई याद नहीं आता है। इसलिए दुख भाग्यशाली है ना कि सुख। दोस्तों जिस व्यक्ति के पास दुख होगा वो अपनों को जीवित हैं या मर गए हैं सबको याद कर लेगा और जिसके पास सुख है वो कभी किसी को याद नहीं करेगा, चाहे वो मर गए हों चाहे वो जीवित हों, वो किसी को याद नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों दुख बहुत भाग्यशाली है। सुख किसी किसी को मिलता है लेकिन दुख हर किसी को मिलता है और जो हर किसी को मिलता है उससे भाग्यशाली चीज़ कोई नहीं होती है। और सुख जिसको मिलता है वो भाग्यशाली नहीं होता, वो हाय माया का एक पात्र होता है दोस्तों। और वही माया उसके पास उसी समय तक रहती है। दोस्तों ज़्यादातर दुख लोगों का साथ देता है, सुख साथ छोड़ जाता है। दुख सदैव के लिए साथ देता है, सुख किसी किसी का साथ देता है। और जिसका सुख और समय साथ देता है वो बड़ों को मात देता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहे। सुबह 6 बजे आपको इस चैनल पर वीडियो और भी देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।